आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फिजियोलॉजी पेज नंबर 13 से ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन स्कल, जो इंसानी खोपड़ी है उसका ओवरव्यू पढ़ना है बेटा। ये बहुत ज़्यादा सख्त है और ये हेलमेट का काम करती है, ये आपके ब्रेन की हिफाजत करती है, और ये चपटी हड्डियाँ हैं, फ्लैट बोन जिनको कहते हैं। तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, और आपको पता भी चलेगा कि अल्लाह पाक ने किस किस तरीके से इंसान को कितनी महारत के साथ बनाया है। अगर आप अच्छे से बायोलॉजी को पढ़ेंगे अपने बारे में, ये फिजियोलॉजी एनाटॉमी वो इलम है जो आपका अपने बारे में इलम है, तो बेटा जो अच्छे से पढ़ेगा उसको अल्लाह पाक नज़र आएंगे, पता चलेगा अल्लाह पाक की कारीगरी। ना तो उसकी नमाज़ें कभी लेट होंगी, ना वो शुक्र करता कभी थकेगा कि अल्लाह पाक ने कितना कमाल महारत से इंसान को बनाया है। तो इसके अंदर हम बकायदा इसका आगाज़ करते हैं बेटा, ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन स्कल। इट इज़ टाइप ऑफ फ्लैट बोन, ये एक चपटी हड्डी की किस्म है। इट इज़ वेरी हार्ड, ये बहुत सख्त होती है। इट कवर्स द ब्रेन, ये दिमाग को ढांपे हुए कवर किए हुए होती है। स्कल इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, खोपड़ी मंदरजा झेल हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये तकरीबन 10 हड्डियाँ बेटा इन्होंने दी हैं यहाँ पर, तो होती तो इससे थोड़ी सी ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर मेन जो 10 हड्डियाँ हैं उन्होंने दी हैं। तो सबसे पहले आ जाएगी फ्रंटल बोन, जैसा कि सामने बेटा पिक्चर में दिखाया गया है। ये फ्रंटल बोन जो है, ये सामने जो पेशानी की हड्डी है ये फ्रंटल बोन है, येलो कलर में है, नज़र आ रही है आपको। फिर आ जाएगी बेटा टेम्परल बोन। टेम्परल जो है ये कान के ऊपर वाली हड्डी है, कलेजी कलर की, ठीक है, ये नज़र आ रही है आपको जिस पर मैं टच कर रहा हूँ, ये टेम्परल बोन आ जाएगी। फिर उसके बाद आ जाएगी मैंडिबल, नीचे वाले जबड़े को बेटा मैंडिबल कहते हैं, नीचे वाले जबड़े को क्या कहेंगे, मैंडिबल। उसके बाद आ जाएगा बेटा ज़ाइगोमैटिक बोन। ये जो ज़ाइगोमैटिक बोन है ये आँखों और कान के जो दरमियान में हड्डी है ना, ये ज़ाइगोमैटिक है, आँखों के और कान के दरमियान में ये जो येलो कलर की नज़र आ रही है ये ज़ाइगोमैटिक बोन है, ठीक हो गया। ये ज़ाइगोमैटिक यहाँ लिखा हुआ है फ्रंट पे, और ये ज़ाइगोमैटिक बोन ये यहाँ पे, ये ज़ाइगोमैटिक है, ठीक हो गया। ये येलो कलर की कान के ऊपर जो नज़र आ रही है। उसके बाद आ जाएगी आपकी नेज़ल बोन, ये जो वाइट कलर की नज़र आ रही है ना बेटा, ये जहाँ पर मैं टच कर रहा हूँ ये नेज़ल बोन है, नाक की हड्डी है, दो हैं ये। उसके बाद आ जाएगा आपका मैगजीला, ऊपर वाले जबड़े को क्या कहते हैं, मैगजीला, ये लिखा हुआ भी है उन्होंने, ये मैगजीला है ये हड्डी। उसके बाद आ जाएगा बेटा आपका लैक्रिमल बोन, ये लैक्रिमल बोन आपको नज़र नहीं आएगी इसमें, ना ही उन्होंने बताया है। ये नेज़ल बोन के साथ, ये जो वाइट कलर की नेज़ल बोन है इसके साथ यहाँ पर है ये हड्डी, जहाँ पर मैंने टच किया है यहाँ पर ये हड्डी है लैक्रिमल बोन, और लैक्रिमल बोन के साथ ही एथमाइड बोन है। ये अगर आप नेट पे जाके सर्च करेंगे लैक्रिमल बोन और एथमाइड बोन, ये नेज़ल बोन के बिल्कुल साथ साथ हड्डियाँ आँख के करीब, जहाँ मैंने टच किया है ये यहाँ पे हैं दोनों, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएगा आपका बेटा पैराइटल बोन। पैराइटल बोन ये बड़ी हड्डी है सर की पिछली जानब, ये ग्रीन कलर की दिखाई हुई है, ये ग्रीन कलर की ये वाली, ये पैराइटल बोन है आपकी, ये लिखा हुआ भी है और ये दिखाई हुई भी है पैराइटल बोन। उसके बाद आ जाएगी आपका बेटा पैराइटल के बाद एथमाइड बोन, मैंने एथमाइड बोन बताई है आपको। एथमाइड और लैक्रिमल ये नाक के पास हैं, यहाँ पे करके हैं हड्डियाँ, ये छोटी छोटी हड्डियाँ हैं। और उसके बाद आ जाएगी स्फिनॉइड बोन। स्फिनॉइड बोन ये जो रेड कलर की दिखाई है कान के करीब, ये रेड कलर की, ये स्फिनॉइड बोन है ये वाली, ये रेड है। तो ये हड्डी आपकी स्फिनॉइड बोन है बेटा। इन हड्डियों के नाम याद करने हैं, ये नीचे भी वाजे करके बता दिया हुआ है। ये देखें फ्रंटल बोन है आपकी बुक के अंदर, अगर आपके पास कलर बुक्स हैं तो ये देख लें, फ्रंटल बोन और एथमाइड बोन, नेज़ल बोन, ये सारी वाजे करके दिखाई हुई है बेटा, मैगजीला, मैंडिबल, तो ये सारी की सारी। तो आज के लिए हमारा ये लेक्चर जो है ये सिर्फ स्कल के बारे में था, ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन स्कल करना था बेटा। ये थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने लेक्चर्स में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये 10 हड्डियों के नाम याद करने हैं, और स्कल के बारे में आ सकता है
चार नंबर का पूछ सकता है, ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन स्कल, तो आप ये सारी की सारी हड्डियों के नाम लिख देंगे और तीन लाइनें हैं ये लिख देंगे तो आपका चार नंबर का सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर भी अगर कोई बात समझ में ना आई हो बेटा तो फिर मुझसे पूछिएगा। तो आपने अच्छे से याद करना है, 10 के 10 नाम हैं, इनके फ्रंट फ्रंट वाले जो अल्फाज हैं जैसे FTMZ NML PES, ये इस तरह से लिख लें, तो F से फ्रंटल, T से टेम्परल, M से मैंडिबल, Z से जाइगोमेटिक, N से नेजल, M से मैगजीला, L से लैक्रिमल, P से पेराइटल, E से एथमॉइड और S से स्फीनॉइड। तो स्पेलिंग याद कर लेंगे और बोन तो सबके आगे लगता ही है, तो ये याद करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो दुआओं में याद रखिएगा बेटा, अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। जज़ाकअल्लाह।